We are nearly about 7,800 employees who are working, and also included that is contract labors around 15,000. So we are around 20,000 workers who are working around the all over India, and we have a plants in Bangalore, and as well as a manufacturing plant in KGF, and manufacturing plant in Mysore, and as well as a manufacturing plant in Palakkad. The entire coordination committee of BML employees union, we are opposing the issue of central government's stand the by privatizing our company. So for that we are into three business verticals, that is we are into rail and metro, and we are into mining and construction, we are into defense. In three segments we are given a contribution to our country. Now in 1964 we started the company, and now we are given a lot of dividend to the our government also. Now they want to sell the BML to the private that is the capitalist people who have purchased our BML, and we don't, for which we are opposing that. जो संगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो हक है उसको कटौती कर रहे हैं और असंगठित क्षेत्र का नाम ले रहे हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में भी यही हालत है कि उससे भी खराब है, और वहाँ पे भी ये जो पूरा मंदी का मार है, और उधर में भी महंगाई का भी है, और वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, और जो स्कीम वर्कर्स है उसका तो है कि वो काफ़ी सालों से ये मांग है कि वो न्यूनतम वेतन का और सरकारी कर्मचारी का, वो भी वो है नहीं, और ये कोड में वो सारे असंगठित क्षेत्र को न्यूनतम वेतन दे दिया ये बोला है, लेकिन हकीकत यही है कि जो जिस जो लोग उसके अंदर में था उनको भी उसके अंदर से हटाया दिया है। तो ये जो देश भर में ये हड़ताल होगा उसमें ये भी नहीं है कि किसान संगठन और खेतिहर मजदूर है वो लोग भी इसका समर्थन में है, और जो पूरे देश के इतिहास में सबसे बड़ा ये हड़ताल होगा ये जनता के हड़ताल होगा 8 जनवरी का। मोदी साहब ने 2016 में एक समझौता अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से किया कि वो डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन की सप्लाई भारतीय रेल को करेंगे। उस फैसले के तुरंत बाद ही भारत के अंदर जो डीजल इंजन का उत्पादन इकाइयां रेलवे की कर रही थी उनमें उत्पादन तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया। हम जो डीजल इंजन का उत्पादन कर रहे थे वो 11 करोड़ रुपए में एक डीजल इंजन का उत्पादन करते थे। मोदी साहब ने जो समझौता 2016 में किया उस समझौते के तहत 20 करोड़ में एक डीजल इंजन लेके आ रहे हैं। हर साल 100 डीजल इंजन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी सप्लाई करेगी अगले 10 सालों तक, और रेलवे के जो प्रोडक्शन यूनिट हैं DMW पटियाला और DLW वाराणसी उनमें उत्पादन डीजल इंजन का बंद कर दिया गया है। भारत के लोगों की मेहनत की कमाई और टैक्स का जो पैसा था 8 करोड़ रुपए पर इंजन के साथ यानी 800 करोड़ सालाना डीजल इंजन के रूप में अमेरिकन कंपनियों को दे दिया। उसके साथ ही इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन हम पूरे सफलतापूर्वक कर रहे हैं, उसमें एलेस्ट्रोम फ्रांस की एक कंपनी है उससे 100 इंजन पर वर्ष ये मोदी गवर्नमेंट खरीद रही है। हम इलेक्ट्रिक इंजन अपने कारखानों में 13 करोड़ रुपए में पर इंजन का उत्पादन कर रहे हैं, और मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में जो MOU साइन किया एलेस्ट्रोम कंपनी से वो 20 करोड़ रुपए में एक इंजन देगा। बैकडोर से मोदी गवर्नमेंट का इरादा ये है कि इन उत्पादन इकाइयों को प्राइवेट हाथों में देकर इनका निगमीकरण करके विदेशी कंपनियों को सीधा हैंडओवर कराना है। इसलिए उत्पादन इकाइयों के समस्त कर्मचारी पिछले 100 दिनों से आंदोलन की राह पर अपने परिवारों के साथ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये बताते हैं हमारे BDO सेक्रेटरी साइन नहीं करते, और जो हम खुली मजदूरी भी करते हैं और वह भी है ठेकेदार कोई अच्छा तो मोर मार देता कोई नहीं मारता का, तो हम कहाँ डर ले। बिचौले कहते हैं अब पैसे दो, इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे मिले वो उसको दे दे, हम क्या करें, हमारी समस्या क्या क्या तो कभी बनाई क्यों बनाई है तो समस्या पूरी करो, मानो ना। हम तो ये चाहते हैं ये BDO सेक्रेटरी के सेंट टूटने चाहिए, अगर नहीं टूटे तो हमारा BDO सेक्रेटरी मोर मारेगा, सेक्रेटरी काम करेगा तो हम आगे पैसे मिलेंगे। हम मजदूरी आदमी, हमको पैसे चाहिए, हम मजदूरी से करते हैं तो हम बच्चे पालेंगे, नहीं मिलेगा क्या उन्हें, हम एक कोई लंगड़ा है कोई लुला है किसी का तो अच्छे काज में आएगा उसका सब कुछ बन गया, और किसी के गरीब का कोई सुनाई नहीं, पैसे है नहीं, पैसे वाला का काम बनता हमारा क्या, कौन कौन सुनाई करेगा। हम ये कहते हैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना जी हमारी सुनाई करो। बिहार में सफाई मजदूरों की स्थिति बहुत बदतर है, और ये काम करने वाले लोग बहुत गरीब हैं,
150 रुपये के रोज पर काम करने में भी इनको हिचक नहीं होती है। ये डरते हैं कि अगर हम मांग रखेंगे मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी मांगेंगे तो हमको हटा दिया जाएगा, हम पीएफ मांगेंगे तो हमको हटा दिया जाएगा, पहचान पत्र ये एसआई कार्ड कुछ नहीं मिलता है। और सबसे दुर्भाग्य है महिला को कहीं कहीं 1500 और पुरुष को 3000 रुपया हॉस्पिटल में मिलता है। संग्रहालय है पटना के जिला राज्य भर में, जितना म्यूजियम है उन म्यूजियम में 8 महीना 10 महीना से पैसा नहीं मिला है। 7 महीना से अधिक समय से ईपीएफ का पैसा मेडिकल कॉलेज में नहीं जमा हुआ है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नालंदा मेडिकल कॉलेज में जो लोग लड़े उनको काम से हटा दिया गया। हम केस किए हैं, हम एसपी को दिए हैं, हम निगरानी विभाग को दिए हैं, कोई विभाग इनकी बातों को नहीं सुनता है। हमारी मांग है कि जो अभी इतना प्रचार हो रहा है स्वच्छता अभियान पर, और आज 150वीं जयंती है महात्मा गांधी की, इस अवसर पर मांग करते हैं कि यह अस्थाई सेवा है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है, इसीलिए इसमें काम करने वाले को ये रेगुलर किया जाए। ग्राउंड लेवल पर हमको इतने काम करने पड़ते हैं, चाहे कोई वो नशेड़ियाँ का सर्वे हो, चाहे कोई किसी के टॉयलेट का सर्वे हो, चाहे कोई मतलब कि गरीबी में इसका सर्वे हो, चाहे कोई किसी के कच्चे मकान हो उनके लिए हो, चाहे कोई पेंशन का फार्म भरना हो, वो हमारे से करवाते हैं। सारा काम ही मतलब कि सारा काम हमारे को सरकार करवा रही है, जो बिल्कुल फ्री में करवाती है, उसको उसका हमारा कोई वेतन मान नहीं देती। सिर्फ हमारे को जो 7500 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर और 3750 रुपया हेल्पर को, फिलहाल जो हमारी मांग है कि हमको श्रम कानून के घेरे में लिया के कम से कम न्यूनतम वेज के घेरे में लिया जाए। इतनी महंगाई को देखते हुए कम से कम जो 18000 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर और 9500 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को देना चाहिए, जो थोड़ा बहुत जो गुजारा है उससे हो सके। रेलवे एक ऐसी सार्वजनिक कंपनी थी देश की, जो सबसे बड़ी कंपनी थी, सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी थी, सबसे ज़्यादा रोजगार रेलवे देती थी। उसमें आप देखे होंगे कि रेलवे का जो पेपर देने लड़के जाते थे तो रेल भर भर कर जाते थे और सबसे ज़्यादा मिलती थी। और रोजगार मिलने से क्या होता था कि देश की अर्थव्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहती थी, क्योंकि अगर हम पैसा कमाएंगे तो उसी हिसाब से मार्केट में स्पेंड करेंगे। लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो जो मैं आज 1000 का सूट पहना हूँ, स्वाभाविक सी बात है अगर मेरे पास अगर 5000 की मैं नौकरी करूँगा प्राइवेट कंपनी में तो 500 या 200 का पहनना पसंद करूँगा। लेकिन अगर हमारे पास अगर अर्थव्यवस्था के रूप में सैलरी के रूप में अगर 30 से 40-50 हज़ार रुपये आती है तो स्वाभाविक सी बात है वो पैसा मैं मार्केट में खर्च करूंगा। रेलवे में जो इनका अटैक है वो है निजीकरण और निगमीकरण, प्राइवेट हाथों में। जैसे अभी 100-150 ट्रेन का ऑपरेशन इन्होंने निजी हाथों में दिया, पहले इन्होंने तेजस को दिया, अब राजधानी शताब्दी दे रहे हैं IRCTC के थ्रू, अब ये फिर पैसेंजर ट्रेन पर भी आ रहे हैं। अब समझिए कि आम जनमानस जो कि 5 रुपये 10 रुपये टिकट लेकर गाजियाबाद से दिल्ली या दिल्ली से बल्लभगढ़ या पल्लवल के सफ़र करती थी, उन पर कितना बर्डन पड़ेगा। जिस तरह का मेट्रो को देख लीजिए, मेट्रो का अगर 2 किलोमीटर का किराया मिनिमम 10 रुपये से स्टार्ट होता है, लेकिन आप वहीं जब रेलवे में देखेंगे तो उसका 10 किलोमीटर का मिनिमम किराया 10 रुपये है। उसमें बहुत जो आम जनमानस है, गरीब जनता है, उस पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन होने से, अगर रेल ऑपरेशन अगर प्राइवेट हाथों में चली जाती है तो। दूसरी बात है वो निगमीकरण, वो जो भी प्रोडक्शन यूनिट हैं जो कि RCF कपूरथला से लेकर जो आपकी ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई हो, जिसने उसने बुलेट ट्रेन जैसा कोच दिया, जो इतनी बढ़िया हमारे टेक्नोलॉजी हमारे देश के वर्कर, हमारे रेल के वर्कर दे सकते हैं, तो फिर इसे प्राइवेट में क्यों दे रहे हो। Thank you.